और बड़ी खबर कर्नाटक से है, जहां भाषा का विवाद हिंसा की शक्ल लेता जा रहा है। वहां की राजधानी बेंगलुरु में कुछ कन्नड़ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दुकानों में अंग्रेजी में लिखे बोर्ड तोड़ दिए हैं। वहां से सामने आई तस्वीरों में संगठनों की महिलाएं तोड़फोड़ में आगे दिखाई दी, पुलिस भी उन पर जोर नहीं चला पाई। इसके बाद पुरुष प्रदर्शनकारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने दुकानों के बोर्ड तो तोड़े ही, वहां रखे गमलों को भी नहीं छोड़ा। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, मगर प्रदर्शनकारी रुके नहीं। कन्नड़ संगठनों की मांग यह है कि कर्नाटक में दुकानें अपने बोर्डों में कम से कम 60% जानकारी कन्नड़ भाषा में ही लिखे। अपनी इसी मांग को लागू करवाने के लिए उन्होंने कोहराम मचाया हुआ है। इससे पहले खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य में रहने वाले हर शख्स को कन्नड़ बोलनी सीखनी चाहिए।